फाइनली हम लोगों ने इस चैनल पे जो 10 कैन के बारे में मैंने बताया था कि 10 कैन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में एक वीडियो लेने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ 10 कैन, जिसमें आप लोगों को 10x से लेके 20x तक यहाँ से प्रॉफिट आप लोगों को हो सकता है इस बुल रन की मार्केट में। तो आज फाइनली मैंने उस 10 कैन को रिलीज करने की कोशिश किया है इस वीडियो में। तो आशा करूंगा आप लोग इसमें, ये जो बुल रन आने वाला है, इसमें अच्छा खासा जो है प्रॉफिट इस 10 कैन के साथ आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मार्केट अप डाउन हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इस कॉइन को जो है परफेक्ट टाइमिंग के साथ लाना चाहता था, जहाँ पे आप लोग एंट्री करके यहाँ से अच्छा खासा जो है प्रॉफिट यान कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत मेरे चैनल पे वो जो 10 कैन मैंने बताया था, उसको थोड़ा लाने में थोड़ा सा देरी हुआ। तो फाइनली आज हम लोग इसकी वीडियो ले आए हैं। तो आप लोग को आशा करूँगा फ्रेंड्स, आप लोग इस कॉइन को देखिए और इस कॉइन से आप लोग अच्छा खासा जो यार्निंग है आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं इस बुलरन के अंदर। तो उसके ऊपर आज पूरा वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे मैं आज 10 कैन जो है यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोग को अच्छे से अच्छा यार्निंग यहाँ से हो सके। तो उससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पे पहले बार आए हैं, तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही जो भी न्यू न्यू कॉइन होता है, जिसमें आप लोग को अच्छे से अच्छा जो प्रॉफिट मिल सकता है, जो 15-10 दिन या 1 महीने के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है, उसको आप लोग कैसे यहाँ से 10x से लेके 2x या 3x, आप लोग जो भी आपकी मर्जी हो आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को क्लिक करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मेरे इस चैनल पे आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी की रिगार्डिंग जो वीडियो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और NFT की जो भी न्यू न्यू प्रोजेक्ट आता है, जैसे प्लेटो यार्न की गेमिंग की प्रोजेक्ट हो गया, बहुत सारे जो गेमिंग है अभी अच्छा खासा बूमिंग में है, तो उसके ऊपर भी इस चैनल पे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। और डेली जो है आप लोग को क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, उसके बारे में अपडेट जो है यहाँ पर मिलता है, और जो भी न्यू कॉइन होता है जिसमें आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पर आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आशा करूँगा फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल के आइकन को क्लिक करके रखेंगे, ताकि मैं कोई भी वीडियो इस चैनल पे लेके आऊँ तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिल जाए, तो आप लोग को अच्छे से अच्छा जो है प्रॉफिट यहाँ से यार्निंग हो सके इस क्रिप्टो मार्केट में। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं आशा करूँगा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए और जो है लाइक कर दीजिए एक वीडियो को, और अपने यार दोस्त के साथ आप लोग चाहे तो अपना सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग इस चैनल को थोड़ा शेयर कर सकते हैं, या तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं, और अच्छा खासा जो है हम लोग कम्युनिटी बना सके। और आने वाले दिनों में मैं इस चैनल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा, जहाँ पर आप लोग को क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जो है सिग्नल जो है फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आशा करूँगा आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट में, अभी देख सकते हैं कॉइन जीको की साइड मैंने ओपन कर रखा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में अभी जो है 2 ट्रिलियन से ऊपर से आप लोग को यहाँ पे मार्केट कैप दिख रहा है। तो अभी मार्केट कैप बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे तो बिटकॉइन की प्राइस अभी अगर आप लोग देखेंगे 46,500 से अबव अभी चला है बिटकॉइन की प्राइस। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले 48,000 एवब जो मार्केट है बिटकॉइन की प्राइस अभी चला गया था। अभी मार्केट क्या बहुत बढ़िया है, और सारे जो कॉइन है अभी बुलिश कंडीशन में है। तो आज की जो कॉइन रहने वाला है वो पूरा BTC पेयर में आज मैं बताने वाला हूँ जो सारे कॉइन रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, और यहाँ पर जो 10 कॉइन मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग को इसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहले आप लोगों को ये जो कॉइन है उसकी जो लिस्ट है मैं बता देता हूँ, और उसके बाद में इसको कहाँ से बाय करना है और कौन सी प्राइस पे बाय करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और सेलिंग टारगेट आपका कहाँ तक रहने वाला है उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या स्ट्रैटेजी लेके आप लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आशा करूँगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे, ताकि आप लोग को पूरा समझ में आएगा। और ये जो भी कॉइन मैं बताने वाला हूँ, ये पूरा हमारा जो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो आप लोग को इसको BTC पेयर में आपका जो BTC है उसको आप लोग 10x से 20x आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो इस कॉइन के साथ अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें, तो अपना रिसर्च के ऊपर थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी करके यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, उसके ऊपर मेरे चैनल आपके लिए उसके लिए दाई नहीं होगा। तो ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, और जो भी मैं यहाँ पर कॉइन बताऊँगा तो उसको आप लोग थोड़ा बहुत रिसर्च अपना तरफ से ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करूँगा इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, ताकि आप लोग को पूरा समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला कॉइन है उसका नाम है PHB। इसका टोकन सिंबल है यहाँ पे है PONEX ग्लोबल। इस कॉइन का जो टिकर है उसके नाम PHB।
तो ये बाइनेंस एक्सचेंज आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका टोटल सप्लाई तो ऑल टाइम हाई से अगर आप लोग देखेंगे ये कॉइन, अभी अगर ऑल टाइम हाई हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 0.48 सेंट तक यहाँ पे गया था, ठीक है। तो अभी मतलब ये जो कॉइन है ये अभी 98% जो है डाउन है ऑल टाइम हाई से। तो ये आपको जो है बाइनेंस हो गई और बिट बी एन एस जो हमारा इंडिया की एक्सचेंज है उसमें भी आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास बाइनेंस में अकाउंट नहीं है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ पे आप लोग अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो बी टी सी पी प्राइस में अभी 23 सतोसी अभी बी टी सी प्राइस में अभी चल रहा है। तो अभी हम लोग बाइनेंस एक्सचेंज में इसकी चार्ट अभी हमने खोल रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो बाइंग प्राइस है आप लोग इसको थोड़ा जो है 21 सतोसी के अंदर आप लोग इसको थोड़ा बाय कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग को अगर सेलिंग टारगेट में यहाँ से बताऊँ तो यहाँ से आप लोग को अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप लोग यहाँ पे 100% कम से कम 150% यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे 50 सतोसी के ऊपर इसको सेल लगाते हैं। तो इसका पहला टारगेट 50 सतोसी और जो नेक्स्ट टारगेट इसका होने वाला है 119 सतोसी के अंदर यहाँ पे कम से कम 500% तक ये जो है रिटर्न आपको दे सकता है अगर आप इसको बाय करते हैं। तो लेकिन आप लोग को थोड़ा एक्युमुलेट करना है और यहाँ पे इस कॉइन ने अभी अभी जो है थोड़ा बहुत जंप किया था, तो आप लोग इसको थोड़ा 21 सतोसी से अगर नीचे यहाँ तक अगर 17 सतोसी तक यहाँ पे मिल जाता है तो इसको आप लोग ज़रूर अपना पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके चलिए। और इसका जो पहला टारगेट है 50 सतोसी और से जो नेक्स्ट टारगेट है इसका 119 सतोसी के अंदर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो इसको यहाँ तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं और ऑल टाइम हाई तक अगर आप लोग होल्ड कर सकते हैं आपका मनी को अगर थोड़ा बहुत बचा के रखना चाहते हैं तो यहाँ तक भी आप लोग ये जो उम्मीद है कि ये 300 सतोसी तक ये भी जा सकता है इस बुल मार्केट में। लेकिन आप थोड़ा इसमें रिस्क हो सकता है क्योंकि अभी जो मार्केट में बहुत सारा कॉइन अभी है तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है यहाँ पे जैसे मैंने बताया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो पहला कॉइन है हमारा बीएचबी, तो इसका अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत बढ़िया कॉइन है और ये भी अच्छा खासा पंप लेता है, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों को बीटीसी को स्टेबल होने देंगे तो उसके बाद में वन बाई वन जो है कॉइन पंप होंगे। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है उसके बारे में जान। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कॉइन है हमारा वो है IOST। तो इसका जो रैंकिंग है आप लोग देख सकते हैं 1117 इसका रैंकिंग है। ये बहुत बढ़िया कॉइन है और बुलरन में ये बहुत बढ़िया रिटर्न भी आप लोग को दे सकता है। अभी ऑल टाइम हाई से ये अभी 74% मतलब कम से कम यहाँ पे लो में है। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2021 को इसने जो है 0.08 मतलब USDT में इसने अभी टच किया था, लेकिन अभी ये अभी डाउन है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -74% लगभग यहाँ पे डाउन है। तो आप लोग इसको भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हीट बीटीसी और बाइनेंस और ये जो हीट बीटीसी के ऊपर ये अभी लिस्टेड है। तो इसका अगर बाइंग प्राइस आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, मैंने ऑलरेडी इसको टेक्निकल एनालिसिस करके इसको पूरा सेट किया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 48 सतोसी के ऊपर अगर आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि मेरे चैनल में इसका एक कॉल भी चल रहा है। तो अभी अगर आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ से डाउन मिलता है तो इस ट्रेंड लाइन को आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग को 61 सतोसी या 48 सतोसी तक ये कॉइन अगर आप लोग को मिल जाता है तो आप लोग इसमें ज़रूर बाइंग बना के चलिए। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि ये कॉइन ज़्यादा डाउन भी नहीं आ सकता है, तो अभी जैसे मार्केट है तो अभी आप लोग इसको जो है 61 सतोसी तक आप लोग यहाँ पे एक्युमुलेट करके इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो पहला टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग को 89 सतोसी और जो है 109 सतोसी तक यहाँ पे रहने वाला है। और ये आगे भी बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रो कर सकता है, इस कॉइन का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉइन अगर आप लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ये आपको कम से कम यहाँ पे 385 सतोसी तक यहाँ पे जाता हुआ आप लोग को दिख सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग यहाँ पे 500 से 600% तक आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आप लोग यहाँ पे 48 सतोसी तक आप लोग इसको एक्युमुलेट करके बाय करते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा दूसरा कॉइन जो है IOST। इसके अंदर डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं और अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं ऐसे कॉइन के बारे में डिटेल्स में तो आप लोग ज़रूर उस कॉइन के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो में ले आऊँगा, ठीक। तो ये शॉर्ट टर्म में हम लोग इस कॉइन के बारे में जानते हैं 10 कॉइन है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कॉइन है हमारा 3 नंबर की ये कॉइन है जो जिसका नाम है ARPACHAIN। तो इसका रैंकिंग अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 491 की रैंकिंग है और इस कॉइन की सप्लाई भी बहुत कम है। और इसकी जो है अभी न्यूज़ चल रहा है, इसका भी सिग्नल मेरे चैनल पे भी चल रहा है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी चल रहा है
और यहाँ पे आप लोग को यूट्यूब पे भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि इसकी जो है अभी न्यूज है, तो इसका इनको आप लोग होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे 57% जो है ये अभी डाउन है उसकी ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम इसको देखेंगे तो इस कॉइन की एक न्यूज है, जो कॉइन बर्न होने वाला है। इसका हर क्वार्टर में जो कॉइन है बर्न होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इस कॉइन को अगर आप लोग बाय करना चाहेंगे, अभी अगर आप लोग देखेंगे BTC की प्राइस में 130 सतोशी लगभग यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसका कॉल भी मेरे चैनल पे है, आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखा है उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है, उसको जाकर देख सकते हैं। अगर इस कॉइन के बारे में हम लोग का अल्फा सेल, अगर आपकी बाइंग प्राइस बताऊँ मैं, वन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको 103 सतोशी अगर ये आपको मिल जाता है तो आप लोग इसको ज़रूर बाय कीजिए। लेकिन इसका अभी जो कॉइन बर्निंग की न्यूज़ है, तो इसमें आप लोग को थोड़ा यहाँ से शायद यहाँ पे नीचे नहीं आ सक आएगा, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा बहुत जो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं 124 सतोशी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग देख सकते हैं 117 सतोशी के अंदर अगर आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है ये कॉइन, तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। इसका न्यूज़ भी है अभी इसी महीने के अंदर, मतलब सितंबर में इसका कॉइन बर्न भी होने वाला है, तो इसको अभी आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं अभी इसको अगर टारगेट दूँ बाइंग टारगेट, तो यहाँ पे 103 सतोशी से लेके 117 सतोशी, ठीक है, 117 सतोशी से लेके 103 सतोशी के अंदर अगर आप लोग को ये अल्फा चेन कॉइन मिल जाता है, तो इसको ज़रूर आप लोग बाय कीजिए। और इसको बाय करने के बाद आपका जो पहला टारगेट होगा यहाँ पे 240 सतोशी के अंदर, यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है, तो सेकंड टारगेट जो है यहाँ पे 408 सतोशी यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप लोग इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो आप लोग इसको थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं। लगभग यहाँ तक आप लोग अगर होल्ड करते हैं तो आप लोग को 300% यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी कीजिए इसके ऊपर, फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट कॉइन के बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है वो है TVK टेराबर्सा। तो ये जो कॉइन है इसका रैंकिंग आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 328 रैंकिंग में ये कॉइन रिको की साइड में रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी सप्लाई भी बहुत कम है और ये एक NFT प्रोजेक्ट है, आप लोग को मालूम होगा। अगर नहीं है तो ये एक NFT प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से इसने अभी 74% 75% ये अभी डाउन में है। लगभग इसने $1 तक इसने टच किया था, जो अभी के अभी जो मार्केट में थोड़ा बहुत बुलिश कंडीशन आया था उस टाइम पे। ये एक NFT प्रोजेक्ट है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होप है, तो ये कॉइन भी आप लोग को अच्छा खासा रैली दे सकता है इस बुल मार्केट में। तो ये अभी बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है, तो आप लोग को अगर इसकी प्राइस बताऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए मैंने अभी पूरा जो टेक्निकल इसमें निकाल के रखा है। तो इसको अगर आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं 0.50397 सतोशी के अंदर अगर आप लोग को यहाँ पे अगर आप लोग को मिल जाता है ये कॉइन, तो आप लोग ज़रूर इस कॉइन को बाय करके रखिए। ये कॉइन आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट इस बुल मार्केट में दे सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, अभी कम से कम यहाँ पे चल रहा है 663 सतोशी यहाँ पे जो है प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग को यहाँ पे 300 395 सतोशी पे अगर आप लोग को मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा एक्युमुलेट करके इसको बाय कर सकते हैं। और इसका जो पहला टारगेट आपको जो है यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं 1282 सतोशी के अंदर आप लोग को यहाँ पे जो है फास्ट सेलिंग टारगेट आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। जहाँ पे अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे टारगेट करेंगे तो यहाँ से लगभग आपको जो है मतलब कम से कम 150% जो है यहाँ से प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, जो अगर आप लोग फास्ट जो टारगेट है उसकी तक होल्ड करते हैं तो, ठीक है। कम से कम यहाँ पे 1282 सतोशी तक ये जो है आप लोग को देख सकता है आने वाला दिनों में, जो ये बुल मार्केट में आप लोग को अच्छा खासा इसका प्राइस जो है जंप करता हुआ आपको देखेगा। तो नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा 1714 सतोशी के अंदर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेकिन आपको जो बाइंग रेंज मैंने बताया है उस रेंज के अंदर आप लोग इसको ज़रूर बाय कीजिए। और ये एक NFT की प्रोजेक्ट है, ये आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ पे दे सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है उसके बारे में जानते हैं। और मैं जो भी कॉइन बता रहा हूँ उसके बारे में अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसी वजह से मैंने अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको कॉइन जो है यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
ये जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसका नाम है HBG। ये कॉइन को हर कोई आदमी जानता होगा। 2017 से जो कोई भी आदमी इसमें ट्रेड कर रहा है इस क्रिप्टो मार्केट में, इस कॉइन को ऐसा कोई नहीं होगा जो जानता नहीं होगा। इस कॉइन ने धूम मचाया था 2017 में, ठीक है। और इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, ये आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दे सकता है इस बुल मार्केट में। और इसका जो रैंकिंग है 137 रैंकिंग है, 134 नंबर की रैंकिंग है, और ये भी बहुत बढ़िया कॉइन है। अभी अगर ऑल टाइम हाई से इसने अभी 85% जो है यहाँ पे डाउन है। और इसको अगर लिस्टिंग में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बाइनांस, CTBTC, बहुत सारे जो बड़े एक्सचेंज में ये लिस्टेड भी है। तो इसका अगर मैक्सिमम आप लोग देखेंगे कहाँ तक इसने गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में मैंने जैसे बताया, यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक बार में ही जंप किया, इतना तक इसने चला गया था। ये एक प्राइवेसी कॉइन है तो इसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा जब भी पंप होता है तो बहुत बढ़िया पंपिंग यहाँ से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो पंपिंग हुआ था, जो बिटकॉइन ने $60,000 लगाया था तो उस टाइम पे भी इसने पंप लगाया था। तो अभी देख सकते हैं इसने अभी थोड़ा बहुत बुलिश कंडीशन में आ रहा है। तो अभी की जो अभी प्राइस देखेंगे तो अभी 79 सतोशी BTC की टर्म पे अभी चल रहा है। तो इस कॉइन की अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके लिए बनाया है इसकी चार्ट को देख के। तो अगर ये कॉइन यहाँ पे देख सकते हैं 55 सतोशी तक का अगर आप लोग को मिल जाता है, ठीक है, 66 या 55 सतोशी, 58 सतोशी, यहाँ पे अगर आप लोग को एक कॉइन मिल जाता है तो आप लोग इसको ज़रूर बाय कीजिए। और इस बुल रन के अंदर इसके अंदर इतना पोटेंशियल है तो ये अब ज़रूर अप जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप लोग की अभी की जो प्राइस है अभी 79 सतोशी 80 सतोशी तक लगभग चल रहा है, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है तो ये अभी बहुत ज़्यादा अभी जा भी सकता है। तो आप लोग मैंने जैसे बताया 66 सतोशी से लेके 55 सतोशी तक आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। जो आपका पहला टारगेट यहाँ पे होने वाला है वो 227 सतोशी जो यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको जो बता रहा हूँ थोड़ा बहुत आप लोग को जो है 1 मंथ से 2 मंथ इसको आप लोग अगर एक्युमुलेट कर सकते हैं तो इसमें अच्छा खासा आपको जो है प्रॉफिट यहां से मिल सकता है। वरना आप लोग अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा निकालना चाहते हैं तो आप लोग को जो जैसे मैंने टारगेट यहां पे बताया है तो यहां से अगर आप लोग बाय करते हैं तो आप लोग का जो पहला टारगेट अगर शॉर्ट टर्म में आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहां पे आप लोग इसको जो है 104 सतोशी तक यहाँ पे सेल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो मीडियम टर्म में अगर आप लोग देखते हैं इसको तो ये 250 सतोशी तक यहाँ पे टच कर सकता है कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 250% यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है और 333 सतोशी तक ये भी हिट कर सकता है थोड़ा बहुत अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल भी बहुत है, तो अगर ये चाहे तो ये बहुत ज़्यादा भी जा सकता है क्योंकि यहाँ तक अगर आप लोग होल्ड करेंगे कम से कम 1390 सतोशी तक ये जो है जंप कर सकता है इस बुल रन के अंदर। अगर आप लोग इसको थोड़ा पेशेंस बना के होल्ड करते तो आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। वरना आप लोग को जैसे मैंने जो टारगेट बताया है अगर आप लोग यहाँ पे निकलना चाहते तो आप लोग इसको थोड़ा देख सकते हैं। जैसे इसका पहला टारगेट है 251 सतोशी, सेकेंड टारगेट है 333 सतोशी, ठीक है, 333 सतोशी। अगर थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड करते हैं तो 613 सतोशी तक ये आपको दिख सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉइन के बारे में यहाँ पे देखते। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है उसका नाम है स्वाइप। तो SXP, ये इस कॉइन को आप लोग जानते हैं कि इसको अभी बाइनांस भी होल्ड कर रहा है। तो इस कॉइन में पोटेंशियल है बहुत ऊपर जाने के। इसका रैंकिंग जो है 127 रैंकिंग है। इसका कॉइन सप्लाई भी बहुत कम है। तो इसका ऑल टाइम हाई अगर देखेंगे तो $5 तक इसने लगाया था, तो अभी 40% जो है ये अभी डाउन है। तो इसका भी न्यूज़ है, तो नेक्स्ट मंथ इसका कॉइन बर्न भी होने वाला है। उसके बारे में मैंने चैनल पे वीडियो बना कर रखा है, तो आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो बाइंग टारगेट मैं देने वाला हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 5,946 सतोशी जो है यहाँ पे अगर आप लोग को मिल जाता है ये XXP कॉइन तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। इसका जो फास्ट टारगेट है यहाँ पे देख सकते हैं 0.0001 0078 सतोशी यहाँ पे रहने वाला है। अगर थोड़ा मीडियम टर्म आप लोग को यहाँ पे होल्ड करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.0002 0087 सतोशी तक यहाँ पे जा सकता है। और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड करते हैं तो ये कॉइन भी आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से दे सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कम से कम लगभग आपको 300-400% तक यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत इसको एक्युमुलेट करके और जो बाइंग जोन है यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इसने स्पाइक लिया है तो अभी थोड़ा बहुत आप लोग वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 67,6700 सतोशी तक अगर आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं
5,900 तक अगर आप लोग को मिल जाता है तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत बाय करके, तो ये सेलिंग टारगेट मैंने बताया, और यहाँ तक आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। जो ये बढ़िया कैन है और ये अच्छा खासा स्पाइक भी जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट कॉइन के हम, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारा कॉइन है उसका नाम है एडा। एडा कार्डानो कॉइन को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इसकी जो प्राइस अभी $2 से ऊपर चल रहा है, और BTC की टर्म पे अगर आप लोग देखेंगे 4,600 यहाँ पे जो सतोसी है वहाँ पे BTC की टर्म पे चल रहा है, और ये रैंकिंग इसका 3 नंबर की रैंकिंग है। और अगर आप लोग इसके बारे में जानते होंगे तो यहाँ पे अभी इसने ऑल टाइम हाई को टच किया था, उससे जस्ट अभी 12% जो है ये डाउन है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है, ये आगे जा सकता है। अभी नेक्स्ट BNB भी इसको लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये अभी नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है, तो उसकी वजह से इसके अंदर हाई थे। तो इस कॉइन के साथ आप लोग थोड़ा बहुत इसको ट्रेड कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म इस कॉइन को होल्ड करना चाहते हैं तो 1-2 साल के लिए, तो इसकी कॉइन को भी आप लोग यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। तो इसका जो पहला जो बाइंग टारगेट मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, तो यहाँ पे 4,160 सतोसी अगर यहाँ पे ये आपको मिल जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत एक्युमुलेट करके इसको बाय कर सकते हैं इस रेंज के अंदर। अभी 3,100 सतोसी तक यहाँ पे अगर आप लोग को मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है। अगर ये आपको इस महीने के अंदर अगर यहाँ पे मिलता है तो आप लोग बाय कीजिए, वरना नेक्स्ट मंथ को आप लोग इसको नहीं बाय कीजिए। तो इसके बाद में थोड़ा बहुत डंप हो सकता है, क्योंकि अगले महीने इसका इवेंट आने वाला है, जिसकी वजह से इसमें हाइप होने वाला है, ठीक है। तो अभी इसकी जो इवेंट आने वाला है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसने यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, तो यहाँ पे बहुत कुछ इसके अंदर भी काम चल रहा है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर डम तो बहुत है, लेकिन आप थोड़ा इसको डाउन में बाय करेंगे तो आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। तो इसका जो पहला सेलिंग टारगेट है, अगर शॉर्ट टर्म आप लोग इसको सेल करना चाहते हैं, तो 6,500 तक यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग टारगेट, और सेकेंड जो सेलिंग टारगेट है 8,800 तक यहाँ पे सेलिंग टारगेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी ऊपर अगर ये जाता है तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो और भी आगे ये जा सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड करेंगे इस एडा कॉइन को, ठीक है, एडानो कॉइन को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉइन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा कॉइन है वो है योयो कॉइन। तो ये अभी रैंकिंग भी जो इसका है वो अभी 1,342 रैंकिंग में है, और कॉइन की सप्लाई भी बहुत कम है। इसने भी बहुत बढ़िया यहाँ पे जंप किया था, तो लेकिन अभी जो है इसने बहुत डाउन में है। तो अभी अगर आप लोग चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं। ये अभी बाइनांस में है, हीट BTC की एक्सचेंज के ऊपर इसने लिस्टेड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पे इसने 0.3 सेंट तक यहाँ पे गया था, तो अभी बहुत कम प्राइस में यहाँ पे है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 95% जो है ये डाउन में है। तो इसको अगर आप लोग को मैं बताऊँ तो इसने अभी थोड़ा बहुत तो जंप कर लिया था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं लगाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। अगर इसकी बाइंग प्राइस हम बताएं तो यहाँ पे देख सकते हैं 44 सतोसी तक ये अगर आप लोग को बाइंग के लिए मिल जाता है, तो अभी देख सकते हैं अभी यहाँ पे 58 सतोसी यहाँ पे चल रहा है। तो अगर ये आपको 44 सतोसी के ऊपर आप लोग इसको थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। अगर नीचे तक आता है तो यहाँ से भी आप लोग थोड़ा बहुत बाइंग करके इस कॉइन को होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद में इसका जो पहला टारगेट हम लोग यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे 44 सतोसी से यहाँ पे कम से कम 100% यहाँ पे 86 सतोसी तक ये जो शॉर्ट टर्म में आप लोग इसको देख सकते हैं, मीडियम टर्म में आप लोग इसको 119 सतोसी तक यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इसका ऑल टाइम हाई है बहुत हाई इसने गया था, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा बहुत इग्नोर करके आप लोग यहाँ पे 300 सतोसी तक ये आए तो आप लोग इसमें से निकल जाना, ठीक है। और भी अगर आप लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पे 550 सतोसी तक ये भी टच कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिक्सी है, तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत एक्युमुलेट करके यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। एक लगभग यहाँ से 1000% से ऊपर इसको आप लोग प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है, लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत मतलब, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अभी मार्केट में तो बहुत सारे कॉइन है, तो सारे कॉइन पर हम लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इतना फंड भी आप लोग के पास चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट जो कर रहा हूँ, तो आप लोग को यहाँ से कुछ भी प्रॉफिट होता है तो आप लोग यहाँ पे 300 सतोसी तक यहाँ पे होल्ड कीजिए इस कॉइन को, और आराम से ये 300 सतोसी टच कर लेगा और आप लोग यहाँ से निकल जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो कॉइन है हमारा SNGL कॉइन है। तो इसका जो रैंकिंग आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 968 रैंकिंग में है। इसका कॉइन सप्लाई भी बहुत कम है, ये बाइनेंस एक्सचेंज में लिस्टेड है, और ये जो मैं आपको बता दूँ ये बेल्स की जो है फेवरेट कॉइन है। अभी तो यहाँ पे देख सकते हैं 96% इसने अभी डाउन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका और ऑल टाइम हाई हम यहाँ पे देखते हैं 0.40 सेंट तक यहाँ पे जो है हिट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो 60,000 बिटकॉइन लगाया था तो वहाँ पे भी
0.04 सेंट तक इसने टॉस किया था, तो अभी तो यहाँ पे 0.1 सेंट के अंदर है, 0.01 सेंट में अभी चल रहा है प्राइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाइनांस के ऊपर लिस्टेड है, तो ये बेल्स की जो है फेवरेट कॉइन है, तो इसको अगर आप लोग यहाँ पे बाय करना चाहेंगे तो इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये जो कॉइन है सबसे डाउन है। अगर ये आपको 2280 तक यहाँ पे मिल जाता है तो आप लोग इसमें ज़रूर एंट्री लीजिए, ये अच्छा खासा पंप यहाँ पे ले सकता है। इसमें जो है अभी थोड़ा वॉल्यूम कम है, जैसे वॉल्यूम आएगा तो ये बहुत बढ़िया जो सडन पंप यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। अभी जो प्राइस यहाँ पे 3230 तक यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पंपिंग हुआ है, तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे देख सकते हैं 100% 200% तक यहाँ पे जो है इसकी इस कॉइन की पंप यहाँ से हो जाता है, क्योंकि इसने बेल जो है अच्छा खासा यहाँ से मनी यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस कॉइन के ऊपर आप लोग को ज़रूर नज़र रखना है, तो ये कॉइन आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से दे सकता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा इसको एक्युमुलेट करके इसको बाइंग करना है, तो ठीक है, जैसे मैंने बताया है 2280 तक ये अगर मिल जाता है तो आप लोग थोड़ा बहुत इसको एंट्री ले सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ से चाहे तो 2580 से 2800 तक यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपका जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे 6580 तक यहाँ पे होगा, जहाँ पे आप लोग को 200% तक यहाँ पे लगभग प्रॉफिट हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म में आप लोग होल्ड करते हैं तो यहाँ पे 167 सतोसी तक यहाँ पे जा सकता है, और सेकेंड जो टारगेट हमारा जो लास्ट टारगेट यहाँ पे 254 सतोसी तक यहाँ पे हो जाता है, तो जहाँ पे आप लोग को 1000% जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये कॉइन जब भी पंप होता है तो एक सडन पंप होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोग बाइंग करेंगे, कहीं से भी बाय करें, तो आप लोग को क्या करना है, सेलिंग पे आप लोग को बीट लगा के रख देना है, ठीक है। ये सडन पंप होगा तो आपका जो है सेलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस टारगेट को लेकर आप लोग इस कॉइन के साथ आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आप लोग ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप लोग कोई कॉइन के बारे में पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो ले आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो लास्ट कॉइन है वो है पोलकाडॉट। इस कॉइन को हर कोई जानता है, ये अभी 9 नंबर रैंक में रैंक कर रहा है, ये इथेरियम की पिलर माना जाता है, और इस कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन अभी इथेरियम में अभी क्या हुआ है कि जो अभी अपग्रेड हुआ है, जो ट्रांजैक्शन फीस को लेकर जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उसको अपग्रेड कर लिया है उन लोगों ने, उसकी वजह से अभी थोड़ा बहुत डॉट कॉइन में लोग अभी जो भी इन्वेस्टर है वो भी सोच रहे हैं इसमें जाए कि नहीं जाए। लेकिन ये कॉइन आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। इसने ऑल टाइम हाई से अभी $49 तक इसने लगाया था, 48% जो है यहाँ से डाउन है। तो ये अभी बाइनांस के ऊपर भी लिस्टेड है, तो ये कॉइन के साथ आप लोग जा सकते हैं। अगर इसकी चार्ट हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको आप लोग होल्ड करना चाहते हो, अगर ये तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बढ़िया कॉइन है, और इसमें आप लोग एंट्री लेंगे तो अच्छा खासा आप लोग को मीडियम टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इस कॉइन में आपको ज़रूर प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है। और अगर हम लोग BTC की प्राइस के ऊपर हम लोग इसको बाय करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा 0.00447137 के अंदर यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत इसमें एंट्री लेना चाहिए, और इस बुलरन के अंदर ये आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अभी अगर आप लोग देखेंगे कम से कम यहाँ पे 4524 सतोसी यहाँ पे जो है चल रहा है, तो इसको थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसने अभी BTC की प्राइस में अभी इसने जंप नहीं लिया है। अभी अगर हम लोग ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखेंगे 0.0010 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक इसने टच किया था, तो आप लोग इसको थोड़ा एक्युमुलेट कर सकते हैं यहाँ तक, और इसके ऊपर जाता है तो ये बहुत ऊपर जा सकता है अगर इसकी सेलिंग टारगेट हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको इसी के अंदर ही बाय करना है। अगर आप लोग को यहाँ तक भी मिल जाता है 0.00367 यहाँ पे सतोसी में, अगर आप लोग को यहाँ तक मिल जाता है तो आप लोग यहाँ पे एक्युमुलेट करके इसको थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आपका जो फास्ट टारगेट है यहाँ पे 70% होने वाला है, जो यहाँ पे देख सकते हैं 0.00764947 के यहाँ पे रहने वाला है। जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 125% यहाँ पे आप लोग को मिल सकता है, तो इसका इनमें देख सकते हैं आप लोग 0.00100160 यहाँ पे टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ये जो है मीडियम टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड करना चाहते हैं ऑब्वियसली इसको आप लोग 1-2 साल के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है इस कॉइन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जैसे आप लोग को पहले भी बताया था 10 कॉइन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो मैंने पूरा जो 10 कॉइन आप लोग को बता दिया है। ऐसा नहीं है कि इस कॉइन में आपको प्रॉफिट होगा उस कॉइन में नहीं होगा, लेकिन आप मिक्स करके सारे कॉइन को आप लोग होल्ड कर सकते हैं,
और यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी, आपका स्टडी जरूर कीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वरना आपका अगर लॉस हो जाता है उसके लिए जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। तो उसी हिसाब से आप लोग इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग थोड़ा बहुत जो है अपना स्टडी कर लीजिए। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो भी कॉइन मैंने यहाँ पे बताया है आपको स्ट्रैटेजी क्या लेना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे, हम चलते हैं एक कॉइन जो है SNG, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉइन एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बता देता हूँ, तो आप लोग को ऐसे ही इसमें करना है। अगर प्रॉफिट यहाँ से अर्निंग करना है तो स्ट्रैटेजी भी आपको अपनाना चाहिए। तो वो क्या स्ट्रैटेजी आपको रखना चाहिए जिसमें आप लोग को प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉइन के बारे में नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे इस कॉइन को बताया 22 संतोषी पे आप लोग को बाय करना है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को बाय किया और मान लीजिए इसने अभी डाउन ले लिया, ठीक है। मान लीजिए BTC ने अभी प्राइस कुछ चेंज हो गया तो उसकी वजह से इसने डाउन ले लिया, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है जो आपको कम से कम यहाँ पे 9-10% आप लोग मान लीजिए। अगर 22 सतोसी पे आपने इसको बाय किया तो 19 सतोसी पे आपको, 18-19 सतोसी पे आपको जो है स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है और इसको आपको रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग को फास्ट टारगेट हमने इसको दिया है, तो अगर इसकी ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेलिंग करने के लिए बुल मार्केट में अगर आप लोग ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो अगर इसकी ऊपर प्राइस चला जाता है तो आप लोग को उसी प्राइस पे आपको सेल नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। जो आपकी सेलिंग करेंगे, सेलिंग के लिए आप लोग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सेलिंग के लिए लगा देंगे। हो सकता है ये कहीं यहाँ से ऊपर ही चला जाए, ठीक है ना, तो आपको जो है प्रॉफिट जो है वो भी डबल हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस नीचे नीचे ऊपर 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 करते जाइए। अगर हो सकता है ये कॉइन आपको अच्छा खासा, अगर इस 2021 में आप लोग को अच्छा बुल रन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाए, तो कोई भी कॉइन हो आप लोग को ऐसे ट्रेडिंग करना ही चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होगा, आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा होता है। वरना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमने कहीं से सिग्नल देखा या कहीं से अगर आपने टेक्निकल किया तो यहाँ से 193% आप लोगों को सेल करना है, तो हमने यहाँ पे क्या सेलिंग भी लगा दिया तो यहाँ पे हमारा सेल हो गया। आप लोग सेलिंग लगा के चलिए, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने देखा कि आसपास में प्राइस पहुँच गया है तो आप लोग को वहाँ से जो है सेलिंग ऑर्डर कैंसिल कर देना है। क्योंकि देखिए यहाँ से आपको जो है 190% तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से थोड़ा नीचे आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर हो सकता है ये कहना ऊपर चला जाए। ये सब क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने यहाँ से स्टॉप लॉस रखा, अगर यहाँ से आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, हाँ जो प्रॉफिट होने वाला है वहाँ से आपको 10% जो है थोड़ा बहुत कम मिलेगा, लेकिन आपको इसमें प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ से एक बार आपने निकल गए तो आप लोग को देखिए, यहाँ से अगर आपने निकल गए तो यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन चेंज हुआ तो जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस ने गया, यहाँ से गया और यहाँ से फिर से रिटर्न आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ से देखेंगे, ये छोटा सा टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग को ये नहीं है, चलो अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको जो है 155% जो है यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर दोबारा इस कॉइन में आपने एंट्री लिया तो, अगर मान लिया आपने 2200 में इसमें एंट्री लिया, जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे हिट नहीं हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, तो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कितना प्रॉफिट मिला, 600-700% आपको प्रॉफिट मिला, लेकिन यहाँ से आपको कितना मिला, 155%। तो इसको थोड़ा आप लोग को कैलकुलेट करना है और इसमें ट्रेड करना है कोई भी कॉइन हो, ठीक है। ये थोड़ा बहुत टिप था, तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए। अगर कुछ कॉइन के बारे में आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को थोड़ा आपकी यार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, थोड़ा हमारा जो कम्युनिटी है उसको ग्रो करने दीजिए। और मैं यहाँ पे सोचा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा जहाँ पे आप लोग को फ्री में सिग्नल मिलेगा, कोई प्रीमियम चैनल में लाइफ टाइम तक यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, जो भी सिग्नल मिलेगा आपको फ्री में मिलेगा और उसमें आप लोग को लेवरेज ट्रेडिंग के सिग्नल मैं देने की कोशिश करूँगा, जो मेरा प्लानिंग है। तो थोड़ा बहुत अगर मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा होते तो मैं इसको प्लान करूँगा, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी उसी हिसाब से देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।